हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। टुडे द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ विल स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 6, हेल्पर्स टू ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स नॉट जोक मच एंड कम टू अ टॉपिक दैट इज हेल्पर्स टू ऑल। सो व्हाट आर एक्चुअली हेल्पर्स? हेल्पर्स क्या है? ओके, आर दे आर स्पेसिफिक कास्ट पर्सन? कोई स्पेसिफिक कास्ट वाले पीपल है या स्पेसिफिक उनके कोई साइज होती है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो क्या है तो उन्हें हम हेल्पर बोलते हैं। ओके, सो हेल्पर्स कौन होते हैं? तो हेल्पर्स आर द पीपल विच हेल्प अस। जो भी लोग हमें हेल्प करते हैं उन्हें हम हेल्पर बोलते हैं। एंड नाउ वी, हमने क्या किया है कि स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस वाले लोग होते हैं उनको भी हेल्पर बोलते हैं। जैसे पुलिसमैन, पुलिसमैन व्हाट डज ही डू? ही हेल्प्स आवर सोसाइटी टू बी क्लीन फ्रॉम ऑल एंटी सोशल पीपल लाइक थीव्स, रॉबर्स, टेररिस्ट, द पीपल हु अब्यूज अदर पीपल। ओके, तो जो लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हैं उनसे हमें राहत दिलाने के लिए वो पुलिसमैन हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। तो हाउ एम आई हेल्पिंग यू? मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ? तो आपको जो टीचिंग के टॉपिक्स है समझ में नहीं आते, उन्हें स्टडी करवाता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ और आपको एजुकेशन देता हूँ। तो इस तरीके से आई एम योर हेल्पर, मैं भी एक हेल्पर हूँ। व्हाट आर यू? यू आर अ स्टूडेंट, सो यू ऑल्सो आर हेल्पर टू मी। यू आर people who helps me in increasing my knowledge by asking doubts। तो आप जैसे जैसे doubt पूछते हो उस हिसाब से मैं भी उस doubt पे work करूँगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है कि सब चीज़ सबको आती है। तो कभी कभी कोई ऐसा extraordinary student होता है तो कोई अच्छा doubt पूछ लेता है जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि नहीं, ये student ने doubt पूछा है जो which is very much good। तो उसे हम tackle किस तरीके से करेंगे, हम भी पढ़ते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये इसे क्या बोलते हैं? कनेक्शन बोलते हैं एक दूसरे से। और जो दूसरे की मदद करता है उसे क्या बोलते हैं? हेल्पर बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कम ऑन अ कंक्लूजन, लेट अस कम ऑन अ चैप्टर, अ टॉपिक प्रॉपरली। ओके, सो नाउ हेल्पर्स टू ऑल, चैप्टर नंबर 6, स्टैंडर्ड 5, एनवायरमेंटल स्टडीज। नाउ रीड, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, हर नेम इज अनु। उसका नाम क्या है? वो लड़की का नाम क्या है? अनु। ओके, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। तो उन्हें पुलिस ऑफिसर बनना है, वो लड़की को पुलिस ऑफिसर बनना है। शी हैज़ अ गट्स। ओके, उसके पास है और शी एक्चुअली हैव अ गट्स टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। इट्स वेरी मच यू कैन से थिंग टू बी प्राउड ऑफ। हमें उस पर प्राउड करना चाहिए अनु पे कि अनु इज अ गर्ल एंड स्टिल शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। ओके, सो नाउ सी हैज़ अ यंगर ब्रदर। तो उनका एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। ही विशेज टू बिकम अ सोल्जर। तो उसको तो सोल्जर बनना है, देश की सुरक्षा करनी है। ओके, वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम? तो आपको क्या बनना है? ओके, यू मस्ट रिप्लाई मी। आपको मुझे रिप्लाई करना है, ओके, कि आपको क्या बनना है, किस तरीके से, फिर आप किस तरीके से वो बनोगे। आपको चलो समझना है कि डॉक्टर बनना है। ओके, समवन सेज दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, सो वॉट विल यू? ये आपका गोल डिफाइन करता है। ओके, क्या डिफाइन करता है? गोल, कि आपको लाइफ में आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है और उसके लिए आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। ऐसे सोच लेने से कुछ होता नहीं है कि मैं सोचूंगा कि भाई चलो मैं कुछ करूंगा नहीं, मुझे खाना खाना है। ओके, और मैं बैठ जाता हूँ कि मुझे खाना खाना है। ऐसा सोच के मैं बैठ जाता हूँ तो खाना मेरे पास आएगा ऐसे ही खुद में खुद बन के? नहीं आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा, सब्जी लेनी पड़ेगी, जो तरकारी लेनी होती है वो लेनी पड़ेगी, घर आना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, धोनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, फिर खाऊंगा तब जाके मेरे पेट में खाना जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी चीज़ करने के लिए। पर मैं मेहनत किस तरीके से करता हूँ? द वे ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज इनफ। मेहनत तो बेल भी करता है। ओके, पर वो ऑफिसर नहीं बन सकता है। ओके, कौन से तरीके से हम मेहनत करते हैं? वे ऑफ डूइंग आर जॉब। हम किस तरीके से अपना गोल अचीव करने के लिए कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको ये भी बताना होगा मुझे कि चलो आप पुलिसमैन बनना चाहते हो पर उसके लिए आपने मेहनत क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से मेहनत करोगे फ्यूचर में। ओके, तो उसके बारे में भी आपको मुझे बताना है। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? तो आपको क्या बनना है? जैसे अनु को पुलिसमैन बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है। ओके, आईपीएस हो सकता है,
फिर डीआईजी, फिर पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, पीएसआई होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर हो सकता है, पीआई पुलिस ऑफिसर होता है, सीआईडी में जाना होता है, कोई भी होता है ट्रैफिक में वो भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो एंड हिज ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ सोल्जर, तो उसके भाई को तो सोल्जर बनना है, तो ही नीड्स टू बी फिजिकली फिट, तो उसे फिजिकली फिट भी होना चाहिए, उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करना चाहिए, उसकी बॉडी पे उन्हें ऐसी जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ताकि उसकी बॉडी पे असर हो, ज़्यादा बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अनकवर्ड फूड खाना नहीं चाहिए, ही नीड्स टू टेक अ स्पेशल केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में भी स्पेशल केयर लेनी चाहिए। ओके, सो हियर आर वेरियस पिक्चर्स गिवन टू यू, तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे यू कैन सी अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, एक लड़का है छोटा सा, उसे बीमार है तो डॉक्टर है वो मदद कर रहा है, सी इज अ लेडी पुलिस ऑफिसर, ये है जो इलेक्ट्रिक मैन है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिशियंस है, इज फिक्सिंग द इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स एक्चुअली ऑफ योर ऑफ एनी लोकैलिटी, नाउ सी इज अ नर्स, सी इज ट्रीटिंग अ पेशेंट, सी इज टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट, ये जो है वो एयर होस्टेस आई थिंक, ओके, ही इज अ पोस्टमैन, ये पोस्टमैन है, ओके, ही कलेक्ट्स द पोस्ट एंड गिव इट टू ट्रांसफर्स इट टू द पर्टिकुलर पीपल, ना ये कौन है, ये दिस इज अ मैकेनिक, ही इज अ मैकेनिक, ही यूज स्क्रू ड्राइवर्स, रिचिट्स, फिर जो अलग अलग टाइप के जो होते हैं पाने के उसे यूज करता है, नाउ ही इज अ सोल्जर, ये सोल्जर है, ही यूज इज गन, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक नाइफ अटैच्ड है, ये गन है, ही इज वियरिंग अ यूनिफॉर्म, ही इज अ पेंटर, ये पेंटिंग करते हैं जनाब। नाउ चिल्ड्रन डे वॉज सेलिब्रेटेड इन अनु स्कूल, तो अनु के स्कूल में चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट हुआ, ऑल द स्टूडेंट्स हैज डिस्कस्ड अबाउट व्हाट दे वांटेड टू बिकम, तो सबने इस तरीके से बातें की सबसे कि उन्हें क्या बनना है, क्या बनेंगे वो आगे जाके, उस तरीके की डिस्कशन हुई उनके बीच में। चिल्ड्रन डे कब होता है, चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th of November, 14th of November क्या है, तो चाचा नेहरू जो थे उनका बर्थडे है, एंड ही वॉज लविंग वेरी चिल्ड्रंस वेरी मच, सो चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, अ पिक्चर इज गिवन वेयर टू ऑफ द चिल्ड्रन, एक है यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पे एक लड़का है, वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है, स्टेज पे ऊपर बैठे हैं, ये पे टीचर्स और ये चीफ गेस्ट और सब बैठे हुए हैं। ओके, अनु डिस्कस्ड इन हर स्कूल, तो अनु ने अपने स्कूल में डिस्कस किया, शी वुड डिसाइड व्हाट वी वुड लाइक टू बिकम, वो वी शुड डिसाइड, हमें पहले से डिसाइड करना चाहिए कि हमें आगे क्या बनना है, जैसे मैंने आपको बोला। हर फ्रेंड्स ऑल्सो स्पोक, तो उसके जो दोस्त थे वो भी उसके बारे में बात की, सम वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, तो कुछ है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सम वॉन्ट टू बिकम फार्मर, कुछ है वो किसान बनना चाहते हैं, सम पुलिसमैन, तो कुछ है वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अराउंड अस मैनी पीपल बिलोंग टू वेरियस प्रोफेशंस, तो आप अपने आजू बाजू बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर जो टेबल फर्नीचर या दरवाज़ा होता है वो टूट जाता है, तो कौन आता है, कारपेंटर आता है, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल, ओके, उसे कारपेंटरी का प्रोफेशनल है, ओके, ही नोज कारपेंटरी वेरी मच एंड ही इज यूज टू डू इट, वो उस चीज़ को करने के लिए उसके पास प्रैक्टिस है, ओके, तो वो कारपेंटर हो गया। फिर घर आपके जो सोसाइटी होती है उसके अंदर वॉचमैन होता है, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल इन गार्डिंग अ होम, ओके, नाउ इफ इफ योर पाइप्स, ओके, पाइपलाइंस गेट डैमेज, तो प्लम्बर बुलाते हैं, इज ऑल्सो प्रोफेशनल यू, तो जितने भी आजू बाजू हमारे बहुत सारे लोग, आपके पापा भी कुछ प्रोफेशन करते होंगे, ओके, आपके पापा है, मम्मी है, इफ शी इज गोइंग टू अ जॉब, इफ शी इज डूइंग अ जॉब शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल इन समथिंग, ओके, तो इस तरीके से सारे प्रोफेशनल हमारे आजू बाजू, हम प्रोफेशन से आजू बाजू घिरे हुए है, मैनी प्रोफेशनल्स आर हेल्पफुल टू अस, तो बहुत सारे प्रोफेशनल है वो हमें हेल्पफुल है, हमें मदद करते हैं, आर मैनी नीड्स आर कम्प्लीटेड विद द हेल्प ऑफ सच प्रोफेशनल्स, तो बहुत सारी नीड्स होती है, हमारी ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे बोला कारपेंटरी, अभी हमें घर पे दरवाज़ा रिपेयर करने बैठूंगा तो मुझे नहीं आएगा, पर मैं कारपेंटर को बुलाऊंगा तो ही विल डू हिज द वर्क बेटर देन मी, मुझसे अच्छा वो करेगा, ओके, प्रोफेशनल हु हेल्प आर नोन एज आर हेल्पर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम हेल्पर्स बोलते हैं, राइट, तो प्रोफेशनल्स हेल्पिंग अस, तो जो प्रोफेशनल हमें हेल्प करते हैं उनके बारे में हमें लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स के बारे में लिखना है, जैसे कि पुलिसमैन हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गई,
नर्स हो गए, फिर टीचर, प्रिंसिपल, यू कैन से मैनी मोर प्रोफेशंस आर देयर अराउंड अस। हमारे आजू बाजू बहुत सारे प्रोफेशंस है जिसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ओके, हाउ मैनी लाइन्स आर गिवन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 5, 3 are 15। तो यहाँ पे 15 प्रोफेशंस आप आराम से लिख सकते हो। तो आपको उनके नाम लिखने हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ओके। लेट अस सी व्हाट यू आर राइटिंग ओके, आर वी विल सी नेक्स्ट थिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन आवर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।